नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वन टन मोटर में दोस्तों या कूलर में या फराटा में कैसे आप कनेक्शन कंपनी की तरह निकालें। कई बार आप देख रहे होंगे जो सिंगल स्पीड में वाइंडिंग होता है उसमें दो वायर हमारे सप्लाई के लिए जिसमें हम 220 वोल्ट देते हैं निकला हुआ होता है, और एक दो वायर निकला रहता है जिसमें दोस्तों हम कंडेंसर को कसते हैं यानी कंडेंसर का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें एक जोड़ है हमारे स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, स्टार्टिंग कॉइल में। तो सबसे पहले हम इस जोड़ को जोड़ लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको बताना आगे प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी। हम बैक साइड में इसमें धागा लगा चुके हैं और फ्रंट साइड में लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देख पा रहे हैं आपको किसी भी इंडक्शन मोटर या इंडक्शन जो हमारे फैन वगैरह हैं जिसमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग की गई हो, दोस्तों आप उसमें इस तरह से क्रॉस पेपर का प्रयोग करें। क्रॉस पेपर का प्रयोग करने के बाद ही उसमें धागा लगाएं ताकि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो। दूसरे स्टेप में दोस्तों देख पा रहे हैं स्लिप, एक नंबर का स्लिप हम इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं, और आप अच्छे से चारों वायर यानी दो रनिंग दो स्टार्टिंग जो निकले हुए हैं आपको इन्हें अच्छे से ब्लेड की सहायता से या तो एक केमिकल आता है उसकी सहायता से या से कागज की सहायता से कैसे भी आप इसे इसके ऊपर जो इनामिल रहता है उसको आपको उसको हटाना होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक नंबर का फ्लू इस तरह से डाल लेना है। दोस्तों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो स्लिप का प्रयोग करें, स्लिप आप बहुत अच्छी कंपनी का प्रयोग करें यानी चाइना प्रयोग ना करें, ग्लास वाला प्रयोग करें। आपको दोबारा रिपेयर करने या अच्छे से या बहुत अच्छा होता है दोस्तों, ये जलता नहीं और जल के चिपकता नहीं। इस तरह से देख पा रहे हैं डाल दिया है हमने, और डालने के बाद दोस्तों इस तरह से ब्लेड की सहायता से हम साफ़ कर लेते हैं, इसका जो इनामिल है हटा लेते हैं। मैं आपको बता दूं आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, कृपया वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारा सीधा चलेगा या उल्टा, आप यह भी आज जान पाएंगे, और कैसे फिट करते हैं, कैसे कंडेंसर का कनेक्शन निकालेंगे, कैसे कॉमन निकालेंगे, सब कुछ आप देख पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। देख पा रहे हैं हमारा जो जोड़ था इस जोड़ को हम सेव कर दिए हैं। अभी देख पा रहे हैं सबसे पहले हम दोस्तों मल्टीमीटर की सहायता से रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को चेक करते हैं। देख पा रहे हैं क्वांटिटी हमारा चालू है, क्वांटिटी मोड हमने इसे रख लिया है, और अभी इस तरह से देख पा रहे हैं हम रनिंग वाइंडिंग को रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, ये बता रहा है कब रहा है दोस्तों स्टार्टिंग, ये भी बता रहा है। अभी हम चेक करने वाले हैं दोस्तों बॉडी अर्थ। बॉडी अर्थ क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यदि आप बॉडी अर्थ ये समझ लीजिए कि कितना भी अच्छी आप वाइंडिंग कर लें, वायर का प्रयोग कर लें, देख पा रहे हैं इसमें बॉडी अर्थ नहीं है। यदि दोस्तों बॉडी अर्थ होती है तो मोटर जल्दी जल भी जाती है, और जब आप रिपेयर करके सही करके चला रहे होते हैं तो कभी भी आपके ग्राहक को शॉर्ट वगैरह मारने का भय बना रहता है। तो देख पा रहे हैं जब मोटर हमारी बनकर तैयार होगी तो इस तरह से तैयार होगी जैसा कि आप वीडियो में देखे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल। तो दोस्तों वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूरतमंद मित्रों को शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपके प्यार की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक रनिंग एक स्टार्टिंग कॉइल को जो यानी देख पा रहे हैं आप इसमें टोटल चार बार निकले हुए हैं, तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग को पकड़ के इस तरह से हमें कॉमन बना लें। दोस्तों कॉमन बना लेने के बाद अभी आप आगे वीडियो में देख पाएंगे कैसे हम दिशा को सुनिश्चित करने वाले हैं दोस्तों एक पत्ती की सहायता से। आपको लेना है इसके लिए एक ब्लेड जो कि टूटा हुआ ना हो पूरा, देख पा रहे इस प्रकार से, और एक स्टड लेना है, स्टड में पत्ती को डाल देना है, ब्लेड को डाल के प्लास्टिक से पकड़ के आपको सप्लाई देकर इस तरह से चेक कर लेना है। आपको ध्यान रहे आप कॉमन और रनिंग पर ही सप्लाई देके चेक करें। देख पा रहे हैं जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं दोस्तों ये उल्टा चल रहा है। अभी हम इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्थानांतरित करते हैं वायर को तो इसका वाइंडिंग सीधा हो जाएगा। तो वीडियो आज का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों, आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को क्योंकि दोस्तों मनोबल बढ़ता है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए ही बना रहा हूँ, देख पा रहे हैं इस तरह से भी हम स्थानांतरित कर दिए स्टार्टिंग के वायर को। यही हम इसमें चार वायर निकाल के बाहर दोस्तों कर सकते थे, किंतु आपको दिखाना है कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इस तरह से आप करें, और एक दो बार कर लेंगे तो आप तीसरी या चौथी बार खुद अपने से बना लेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। देख पा रहे हैं पुनः हम कॉमन में देते हैं सप्लाई, और रनिंग में देख पा रहे हैं कंडेंसर और रनिंग जो वायर है ये रहा दोस्तों इस पर देते हैं। पुनः हम एक बार उस ब्लेड की सहायता से दिशा को पता लगाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं जब भी ये मोटर चलेगा तो पीछे से सप्लाई दिया जाएगा और सामने की तरफ शाफ्ट हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा। इस हिसाब से दोस्तों अभी हम इसे जब देख पाएंगे ब्लेड को लगाएंगे
दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं यह घूम रहा है। दोस्तों यह अभी तो पीछे से हमें एंटी क्लॉक दिख रहा है, किंतु जब इसका शाफ्ट आगे से घूमेगा दोस्तों, शाफ्ट और यह ब्लेड लग के, तो यह क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से हम सुनिश्चित कर पाए कि हमारा कॉमन कौन सा होगा और हम कनेक्शन कैसे करेंगे। अब आप आगे देख पाएंगे, ऐसे हम कंडेंसर के दो वायर और जो सप्लाई 220 वोल्ट देंगे, इसके दो वायर अलग अलग कलर के निकालने वाले हैं। दोस्तों हम सप्लाई देने के लिए अपना जो बिजली की सप्लाई देंगे 220 वोल्ट, इसके लिए हम ये आप जो हरे कलर का वायर भी आप देख पा रहे हैं हम पस रहे हैं, इसे निकालने वाले हैं। कंडेंसर के लिए ब्लैक कलर का वायर निकालने वाले हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं कॉमन पे हम एक वायर को इस तरह से कस दिए और इस पर चढ़ा देते हैं स्लिप। स्लिप चढ़ाने के बाद दोस्तों अभी आप देख पाएंगे दूसरा कनेक्शन हमारा, आप वीडियो फास्ट नहीं किया है हमने ताकि आपको समझ में आ सके, तो अभी आपको इस तरह से निकाल लेना है। दोस्तों इसके बाद आपको लेना है एक हरा कलर और एक ब्लैक कलर, दोनों वायर को आपस में इस तरह से लेके हमें कस देना है रनिंग वाले पॉइंट पे, इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इसमें हमें क्योंकि कंडेंसर भी देना होता है और सप्लाई भी देना होता है, इसलिए इस तरह से आप दो वायर लेके यहाँ पे टाइट कर लें। आप बिल्कुल आसानी के साथ देखें, उम्मीद है आपको इससे बेहतर वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ये हो गया दोस्तों, अभी हमारे पास बचा ब्लैक कलर यानी काला कलर का एक वायर और बचा, जिसे हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे निकालने वाले हैं। तो इससे हमें दो वायर बिजली देने के लिए और दो वायर कंडेंसर का कनेक्शन करने के लिए प्राप्त होगा दोस्तों लास्ट में, अभी आप देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कैसे हम फिटिंग के समय किन किन बातों का ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि आप वाइंडिंग करके दिए दो दिन चार दिन एक घंटा दो घंटे में जल जाती है मोटर, तो फिटिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। फिटिंग में भी वाइंडिंग करने का तो दोस्तों कोई भी कर सकता है, किंतु फिटिंग में भी बारीकी है। देख पा रहे हैं दोस्तों, आप जब भी वाइंडिंग के बाद जब धागा लगाने का नंबर आए तो आप कॉटन टेप लगा लें, जितनी दूर में आप कनेक्शन का धागा लगा रहे हैं इस तरह से आप कनेक्शन के नीचे कॉटन टेप लगा लें, ताकि जब जले स्पार्किंग करें तो हमारे वाइंडिंग खराब ना हो। दोस्तों देख पा रहे हैं लास्ट में हमें दो ब्लैक कलर और दो ये ग्रीन कलर के जो हमारे मिले हुए हैं वायर, दोस्तों ये ग्रीन कलर वाले में हम सप्लाई देने वाले हैं और ये ब्लैक कलर वाले में कंडेंसर का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम फिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम सुनिश्चित करते हैं बैरिंग को ग्रीसिंग ऑयलिंग कर लेते हैं, यदि जाम हुआ या खराब हुआ तो चेंज कर लेते हैं। दोस्तों यह 110 मोटर है और यह वायरिंग वाला 110 मोटर है दोस्तों, यह बुश वाला नहीं है। सबसे पहले हम इस तरह से सामने की तरफ से रोटर को सेट करते हैं और पीछे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो स्टेटर की साइज से आगे पीछे नहीं होना चाहिए हमारा रोटर। कई बार ये भी होता है दोस्तों, जो हमारे नए मिस्त्री भाई हैं वह बस बैठा देते हैं चलना चाहिए, दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको सुनिश्चित करना है कि रोटर और स्टेटर के में ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेटर के साइज में ही रोटर होना चाहिए। इस तरह से आप दोनों वायर को दो अलग अलग साइड से निकाल लें और दोस्तों निकालने के बाद हम इसे कर लेते हैं फिटिंग। फिटिंग करने के लिए आप अच्छे से इस तरह से टाइट कर लें, चारों स्टार्टर को लगा लें और आप स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ आराम से इसे टाइट कर लें। और टाइट करते वक्त दोस्तों आपको ध्यान देना है कि फ्री होना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी फिटिंग करेंगे उतना ज़्यादा स्मूथ उतना ज़्यादा सरल चलने वाला है आपका मोटर। और दोस्तों इसे फिटिंग करने के बाद मैं आपको बता दूं, जब आप इसे कूलर की बॉडी में सेट करते वक्त ध्यान दें कि आप इसे अच्छे से टेपिंग भी कर लें। तो चलिए दोस्तों देख पा रहे हैं मोटर जैसा कि हमारे सामने अभी यह तैयार होकर पड़ी हुई है। सबसे पहले देख पा रहे हैं यह ब्लैक कलर वाले वायर में हम कंडेंसर का कनेक्शन करते हैं और दोस्तों इसमें आप 4 mm से लेकर 5 mm तक के कंडेंसर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सप्लाई दिया हमने दोस्तों, देख पा रहे हैं यह हमारा दिशा सही चल रहा है। अभी आप जब शाफ्ट को देखेंगे कि हमारा क्लॉक वाइज मोटर चल रहा है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप कृपया चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपको अभी एक बार इसकी स्पीड दिखाना चाहूँगा कस के अच्छे से 220 वोल्ट पूरा देगा। अभी तो हमने इससे दोस्तों स्पीड से चेक किया और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपका सुझाव हो, कमेंट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करें। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। उस तरह से बॉडी अर्थ वगैरह चेक कर लें दोस्तों, कूलर की वायरिंग पे या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।